अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज चैनल HD। नाज़रीन, आपको न्यूज अपडेट से आगाह करते चलें कि जबरदस्त एक्शन SO अरशद याकूब, आर के शहजाद, PS शाह फैसल, SHO की कार्रवाई। हमारे नुमाइंदे जफर अहमद सिद्दीकी के मुताबिक सब्जी गली एक नंबर और शमा शॉपिंग सेंटर और नाता खान की आवाम की तरफ से कम्प्लेन आ रही थी कि रक्षा माफिया चल रहे हैं और हमारे पांव रखने की जगह भी नहीं है। SSP फरा की हिदायत के मुताबिक SO अरशद याकूब ने कार्रवाई की, जिसमें रक्षा चलान 29 किए, जुर्माना 16,650 किया, नो ड्राइवर को गिरफ्तार किया और इनको लॉकअप करवाया। इतनी बड़ी कार्रवाई की, हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अवाम ने SO साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें इस परेशानी से निकाला। रिपोर्ट जफर अहमद सिद्दीकी, ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज़ चैनल HD। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखिए मैं जफर अहमद सिद्दीकी, ट्रिपल ए स्काई वन। अभी SO साहब शाह फैसल कॉलोनी के, इनके पास कंप्लेन आ रही थी काफ़ी टाइम से कि ये सब्जी गली और नाता खान और शमा शॉपिंग सेंटर के आगे काफ़ी रक्षे जो हैं यहाँ पे आके ना ये जाम कर देते हैं। इन्होंने बहुत दफ़ा इनको वार्निंग दी लेकिन ये लोग नहीं माने। आज इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का एक्शन किया और एक्शन ऐसा किया कि इन्होंने 4-5 इन्होंने मुल्ज़िम रक्षे बंद किए हैं और चालान इन्होंने किए हैं। 20-25 रक्षे तकरीबन हैं यहाँ पे जो इन्होंने पकड़े हैं और पकड़ने के बाद इन्होंने उसके चालान किए हैं और कुछ बंदों को बंद भी किया है और जिनको बंद किया है अभी उनके बारे में तफ्तीश हो रही है कि वो अपना इनके FIRें होंगी या इनको चालान करके छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत तंग किया हुआ था आवाम को। सब्ज़ी गली के आवाम बहुत परेशान थी, दिन रात कंप्लेनें आ रही थी। ये बेचारे एक्शन लेना चाह रहे थे लेकिन ये सोचते थे चलो गरीब हैं, लेकिन आज इंतहा हो गई तो इन्होंने कमांडो एक्शन किया है और एक्शन ऐसा किया है कि वाकई में ये हम सलूट करते हैं SO अरशद साहब को, अरशद याकूब साहब हैं और इनकी टीम पूरी है जिन्होंने आते ही ये कार्रवाई की है और इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अब ऐसे ही होगा और जिससे आवाम परेशान नहीं होगी। तो हम ये बात करते हैं कि ये आवाम की सहूलत के लिए सारे काम कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको कामयाब करे। जफर अहमद सिद्दीकी, ट्रिपल ए स्काई वन। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अरशद साहब? आप खैरियत से ठीक हैं? अरशद साहब, ये जो आपने कार्रवाई की तो ये किस बुनियाद पे की और क्यों की? ये एक नंबर जो है ये अंदरूनी आबादी का इलाका है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो नहीं जा सकती, लेकिन अहले मोहल्ला की कंप्लेन थी कि ये आरक्षे खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल रोड ब्लॉक कर देते हैं। अहले मोहल्ला की तकलीफ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने नेत्री के साथ छापा मारा है और वहाँ से रिक्शे पकड़ के लाए। वो रिक्शे जो कि बिल्कुल पक्के खड़े थे वो पकड़ के लाए हैं, जिनके खिलाफ अभी मैंने 99 थाने में अरेस्ट किए हैं ड्राइवरों को और रिक्शे अभी चौकी पे खड़े हैं, जुर्माना भर के आएंगे तो फिर इनको रिलीज कर दिया। तो ये आपको ऊपर से हिदायत थी या आवाम के कंप्लेन ज़्यादा प्रेशर था या आपने अपनी मर्ज़ी से किया? ये आवाम की कंप्लेन पे ये सारी कार्रवाई की गई है। अहले मोहल्ला को बहुत तकलीफ है इसकी वजह से। अभी आप जाके देखें, अब रक्षे नहीं है तो आप जो है ना वो पूरे 5 मिनट में A1 से लेके टंकी तक सफ़र कर सकते हैं। अगर रिक्शे खड़े होते हैं तो एम्बुलेंसें भी फंस जाती हैं। चले अगर अभी तो चले आपने हटा दिया, ये फिर दोबारा लग जाएंगे, इसका क्या कोई आपने हल निकाला है? ये हम मतलब कि अपनी नफरी के साथ चक्कर घंटे 1.5 घंटे बाद एक एक चक्कर लगाते रहेंगे, जो भी आएंगे उनको पकड़ के लाएंगे। इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस 7-10 दिन कहीं की तो इंशाल्लाह अंधा ये खड़े नहीं होंगे। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, SO साहब कहते हैं कि ये हमारी अपनी कार्रवाई नहीं थी, ये हमारे को बहुत दिन से कंप्लेनें आ रही थी और ये आवाम की वहाँ पे कंप्लेनें हैं कि हमें वहाँ पे बहुत निकलने की परेशानियाँ हैं, रोड जाम कर देते हैं ये लोग, तो इस वजह से हमने ये कार्रवाई की है। क्योंकि ये गरीब लोग तो हैं लेकिन हमने इनको बहुत दफ़ा वार्निंग दी है लेकिन जब नहीं सुना, मजबूरी तो हमारे ऊपर से ऑर्डर थे, हमारे पे प्रेशर था कुछ मीडिया का और कुछ हमारे अफसरान का, तो हमने ये कार्रवाई की है।
जी इजाज़त दें ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, 111 न्यूज़, खुदा हाफिज़। बताइए कि ये जो अभी सुबह कार्रवाई की है रक्षों की, तो ये एसओ साहब ने तो कंप्लेंट पे करी थी या अपनी मर्जी से की है? एसओ ट्रैफिक गए शाह फैसल कॉलोनी में जी, उनके पास कंप्लेन आई थी कि रक्षों के हवाले से जी, जो रोड पे खड़े हैं आने जाने में परेशानी हो रही है जी, लोगों को आने जाने में, इस वजह से ट्रैफिक पुलिस ने आज कार्रवाई की है। 9 ड्राइवर लाके बंद कराए, 113 मोटर निकला दिया उसमें और उनको जुर्माने किए हैं और चलान पे होने की सूरत में सुरली किया जा रहा है। तो इन्होंने जो जुर्माने किए हैं और चलान किए हैं तो कितने किए हैं सर उन्होंने? 9 आदमी चलान किए हैं, 9 रक्षा ड्राइवर। उनको लॉकअप भी किया है? लॉकअप कर दिया उनको 113 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत, चलान पे होने की सूरत में रिलीज किए जाएंगे। और अगर इन्होंने चलान पे नहीं किया फिर? नहीं, चलान पे कर रहे हैं, वो चलान पे कर रहे हैं और रिलीज भी हो रहे हैं। तो ये कार्रवाई जो है एसओ साहब ने मतलब आवाम की शिकायत पे की, तो आप लोगों ने इनको अचानक कर दिया या कोई वार्निंग पहले दी थी? वार्निंग पहले भी इनको दे चुके हैं 2-4 दफा, जरिया मोबाइल अफसरान भी इनको पाबंद किया है कि रोडों पे या मार्केट के आगे रक्षे भी खड़े करें। वार्निंग देने के बावजूद भी ये बाद में आए तो फिर ये कार्रवाई करनी पड़ी। अच्छा जी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये एडिशनल SHO हैं जावेद साहब, इन्होंने ये बताया कि ये SO साहब की कार्रवाई थी आवाम की शिकायत पे। इजाज़त दीजिए, 111 जफर सिद्दीकी। ये थी अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.111newschannelhd.webs.com। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए 111 न्यूज़ चैनल HD। अल्लाह हाफिज़।